अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के बिल्डर संजीव मित्तल के राज कमल एनक्लेव स्थित घर से 25 करोड़ रुपए की पुरानी नकदी बरामद होने के मामले में लगता है कि अब निर्णायक मोड़ आ गया है। आयकर विभाग ने संजीव मित्तल व उसके 6 कंपनियों पर 42 करोड़ 19 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने से संजीव मित्तल तो परेशानी में आ ही गया है, साथ ही मेरठ व आसपास के वो बड़े व्यापारी भी परेशान उठे हैं जिन्होंने संजीव मित्तल को पुरानी नकदी बदलने के लिए दी थी। पुलिस का कहना है कि संजीव मित्तल 5% कमीशन के आधार पर पुरानी नकदी बदलने के धंधे में लिप्त है। उधर संजीव मित्तल ने अपने अधिवक्ता रामकुमार शर्मा के माध्यम से कहा है कि आयकर विभाग के इस जुर्माने के खिलाफ वह अपील करेंगे। आपको याद दिला दें कि 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक राष्ट्र को संबोधित कर 500 व 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण, जिसे नोटबंदी कहा गया, की घोषणा की थी। एकाएक हुई नोटबंदी के इस घोषणा का असर यह हुआ कि तमाम लोगों को काला धन देखते ही देखते रद्दी में तब्दील हो गया। पीएम मोदी ने नोटबंदी अवश्य की, लेकिन बैंकों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर पुरानी नकदी बदलने का धंधा काफी समय तक चलता रहा। इस कड़ी में एक सूचना के आधार पर 29 दिसंबर 2017 को मेरठ पुलिस कप्तान मंजुल सैनी के नेतृत्व में दिल्ली रोड स्थित राजकमल एनक्लेव स्थित संजीव मित्तल के घर पर छापा मारा गया था। यहां से 500 व 1000 के नोटों की बड़ी संख्या में गड्डियां बरामद हुई थी। यह धनराशि 25 करोड़ रुपया थी। इस पर संजीव मित्तल, नरेश अग्रवाल, योगेंद्र, विनोद शर्मा, अरुण गुप्ता, प्रवीण माहेश्वरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहां से बरामद एक डायरी की जांच पड़ताल में यह भी सामने आया है कि शहर के करीब 31 लोगों ने संजीव से मोटी धनराशि यानी 70 करोड़ रुपए का लेनदेन किया है। इसके अलावा 125 करोड़ रुपए एनआरआई खातों से बदलवाए गए थे। इन लोगों में व्यापारी, सर्राफ, पब्लिशर, बिल्डर्स आदि शामिल हैं। आयकर विभाग ने संजीव मित्तल, पत्नी सीमा मित्तल, पुत्र ऋषभ, फर्म ऋषभ हाइट्स समेत 12 खातों की जांच पड़ताल की थी। जांच में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का आकलन आयकर विभाग ने किया था। 158 करोड़ 57 लाख की पेनल्टी सहित टैक्स जमा करने के लिए संजीव मित्तल को उस वक्त नोटिस दिया गया था। अब संजीव मित्तल के अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने बताया कि आयकर विभाग ने संजीव मित्तल व उसकी 6 कंपनियों पर 42 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वह इसके खिलाफ अपील दायर करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।